चलिए दोस्तों, तो हमने पिछले पार्ट में देख लिए थे 807 क्वेश्चन तक कंप्यूटर से संबंधित जो महत्वपूर्ण है सभी एग्जामों के लिए। चलिए इस पार्ट में हम देखते हैं 808 से लगा अगले क्वेश्चन। 808 का क्वेश्चन है, आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है? तो ये ऑप्शन सही है, रैम। 809 क्वेश्चन है, ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टैप पैक्टिकल नहीं है जिनमें डाटा सीक रिकॉर्ड किया जाना है क्योंकि टैप है। तो बी ऑप्शन सही है इसमें, सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम। 810 पाए, जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? तो ए ऑप्शन सही है, रैम में। 811 है, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं वह कम डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है? तो ए ऑप्शन, रैम में। 812 है, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? तो डी ऑप्शन सही है, 3। कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य है, तो बी ऑप्शन है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। 814 क्वेश्चन हुआ है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है? तो सी ऑप्शन है इसमें, ए बी मतलब चुंबकीय टेप डिस्क। 815 है, कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस हैं? सी ऑप्शन, रैम। 816 है, कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो मेमोरी, बी ऑप्शन सही है। 817 है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकन का बना होता है आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण में रख सकता है कहलाता है? बी ऑप्शन, चिप। 818 है, पेन ड्राइव है? ए ऑप्शन सही है, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। 819 है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या कहलाती है? ए ऑप्शन है, भीतरी। 820 है, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध है रखती है? तो बी ऑप्शन सही है, एक्सटर्नल। 821 है, कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? तो बी ऑप्शन है, मेमोरी प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए। 822 है, कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण कहलाता है? ए ऑप्शन है, डायनेमिक डाटा एक्सचेंज। 823 है, कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? तो ई ऑप्शन सही है, ये सभी। फ्लॉपी डिस्क, टैप चुंबकीय, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, सभी का प्रयोग किया जाता है। 824 है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो डी ऑप्शन सही है, मुख्य। 825 है, पेन ड्राइव है? तो सी ऑप्शन सही है, एक हटाई जाने वाली द्वितीयक भंडारण इकाई। अब 836वां क्वेश्चन है, रजिस्टर उच्च गति स्मृति तथ्य जो स्थित होते हैं? तो डी ऑप्शन सही है, रोम ई प्रोम में, या ई प्रोम में। 827 है, हार्ड डिस्क ड्राइव्स को स्टोरेज स्टोरेज माना जाता है? तो बी ऑप्शन सही है, नॉन वोलेटाइल। 828 है, निम्नांकित में से कौन सा कंप्यूटर का बेल्ट इन मेमोरी है? तो बी ऑप्शन है, रोम। 829 है, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक क्रोनिक में नेम है? तो बी ऑप्शन, सीडी रैम, RW। 830 है, कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है? तो ए ऑप्शन, रोम। 831 है, फ्लैश क्या है? तो डी ऑप्शन, रैम। 832 है, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो ए ऑप्शन, प्राइमरी। 833 है, सीडी पर आप कर सकते हैं? सी ऑप्शन सही है, पढ़ना और लिखना। 834 है, फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है? तो बी ऑप्शन, सेकेंडरी स्टोरेज में। 835 है, सीडी रोम का उपयोग होता है? तो ये ऑप्शन, कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने में। 836 है, कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों को कि केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है? तो बी ऑप्शन, रैम मेमोरी। 837 है,
निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? तो ए ऑप्शन सही है, कैश मेमोरी 838 है। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है तो ये डिस्क स्पेस पर, सी ऑप्शन सही है, 839 है। सीडी रोम का पूर्ण रूप है तो बी ऑप्शन है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी 840 है। सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा यथावत होता है तो सी ऑप्शन, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में 841। एक डिवाइस को डाटा और इन इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगा समय कहलाता है तो डी ऑप्शन, एक्सेस टाइम 842 है। इनमें से सबसे तेज मेमोरी है तो सी ऑप्शन, रजिस्टर 843। किस स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? तो डी ऑप्शन सही है, स्टोरेज क्षमता 844 है। सीडी रोम डिस्क है तो डी ऑप्शन है, कोई को एरेज और रीड राइट किया जा सकता है 845 है। सीडी आर का पूरा फॉर्म है, पूरा रूप है तो ई ऑप्शन, कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल 840 है। यदि मेमोरी चिप वोलेटाइल हो तो बी ऑप्शन सही है, इसके कंटेंट खत्म हो जाएंगी यदि करंट टर्न ऑफ कर दिया जाए तो। 847 है। डीवीडी का उदाहरण है तो बी ऑप्शन है सही, ऑप्टिकल डिस्क 848 है। जब पावर ऑफ या बंद कर दी जाती है तो यह मेमोरी अपने डाटा या कंटेंट खो देती है, इसे कहते हैं सी वोलेटाइल अस्थायी मेमोरी 849 है। वह डाटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता परिवर्तित या मिटा नहीं सकता, इसे कहते हैं केवल रीड, ये ऑप्शन सही है 850 है। स्टोरेज मीडिया के रूप में निम्नलिखित निम्न में से क्या सीडी रोम के फायदे हैं? तो ये ऑप्शन सही है, बेहद स्तर पर डाटा और जानकारी स्टोर करने का सीडी रोम एक कम खर्चीला इन एक्सपेंसिव तरीका है 800 891। 51 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से घटकों के विषय में स्टोरेज और मेमोरी भिन्न है? तो डी ऑप्शन सही है, सभी विश्वसनीयता कीमत गति 52 है। क्वेश्चन 852, रैम बोला टाइल या अस्थाई मेमोरी है क्योंकि, सी ऑप्शन सही है, इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की जरूरत होती है 853 है। जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के डाटा कंटेंट गुम नहीं होते, डी ऑप्शन सही है, इसमें उपयुक्त सभी ई रोम रोम ई पी रोम ठीक है 854। रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है जाता है क्योंकि, सी ऑप्शन है, यह परिवर्तनीय परिवर्तनशील होता है, सी ऑप्शन सही है 855 है। निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो डी ऑप्शन सही है, रैम 856 है। जब पावर ऑफ बंद की जाती है तब कैसे प्रमुख मेमोरी अपने कंटेंट खो देते हैं, वे कहलाते हैं, सी ऑप्शन सही है, वोलाटाइल 857 है। निम्नलिखित में से किस मेमोरी को प्रति सेकंड कई मदों को नवीनीकृत करना चाहिए? तो डी ऑप्शन सही है, डायनेमिक रैम 858 है। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को भी क्या कहते हैं? तो डी ऑप्शन, ये सभी मतलब प्राथमिक आंतरिक मेमोरी प्राइमरी मेमोरी 869 है। स्टोरेज डिवाइस कौन सी नहीं है? तो डी ऑप्शन है, फेंटर 860 है। यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत हो यह स्टोर की जानी चाहिए तो बी ऑप्शन है, रैम में 761 है। कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर में दुत्तर महंगा और अपेक्षाकृत छोटा संग्रह रूप क्या है? तो सी ऑप्शन, कैसे 862 है। निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस उपकरण का उदाहरण है? तो डी ऑप्शन सही है, ये सभी चुंबकीय मैग्नेटिक टेप्स डीवीडी 863 है। डी रैम का लाभ है तो ये ऑप्शन है, यह एस रैम से सस्ता
864 निम्न में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? तो ये ऑप्शन है कीबोर्ड। 865 है रैम व सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस प्राथमिक तौर पर की दृष्टि से भिन्न होती है, तो ये ऑप्शन सही है, उसमें पीरियड डाटा स्टोर किया जाता है। 866 है वह एक डिजिटल डिवाइस है जो डाटा को स्टोर रखता है, तो बी ऑप्शन है हार्ड डिस्क। 867 है इनमें से कौन सा गेट दो भाग गेट है, तो सी ऑप्शन सही है इसमें EX एंड डैश OR। 868 है कंप्यूटर के कार्य करने के का सिद्धांत है, तो डी ऑप्शन सही है उपयुक्त तीनों मतलब इनपुट आउटपुट प्रोसेस। 869 है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का मुख्य घटक है, तो डी ऑप्शन उपयुक्त सभी प्राइमरी मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कंट्रोल यूनिट। 870 है वह डिवाइस जो BCD से 7 सेगमेंट में बदलता है, तो बी ऑप्शन सही है इसमें डेकोडर। 771 है कंप्यूटर का कौन सा अर्थमेटिक कैलकुलेशन करता है, तो सी ALU। 872 है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, तो CPU को, सी ऑप्शन सही है। 873 है CPU के कार्य हैं, तो उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन सही, इनपुट व आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डाटा को तत्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ाना और आदेश देना। 874 है कैश मेमोरी क्या घटाती है, तो बी ऑप्शन सही है मेमोरी एक्सेस टाइम। 875 है एक निबल में कितने बिट होते हैं, तो ये ऑप्शन 4। 876 निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है, तो डी ऑप्शन सही है माइक्रो प्रोसेसर। 877 है कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य, बी ऑप्शन सही है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। 878 है वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है, तो सी ऑप्शन रैम। 879 है कंट्रोल बस क्या ले जाती है, तो सी ऑप्शन रीड राइट सिग्नल। 880 है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, तो सी ऑप्शन, ई ऑप्शन है सीपीयू द्वारा। 881 है कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं इनपुट, बी ऑप्शन सही है। रोम क्या है, तो ई ऑप्शन सही है इनमें से कोई नहीं। 883 आदेशों का एक समूह जो कंप्यूटर को बतलाता है कि उसे क्या करना है, तो डी ऑप्शन प्रोग्राम। 884 है CPU का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है, तो ए ऑप्शन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। 885 है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है, तो बी ऑप्शन सही है कंप्यूटर। 886 में इनमें से कौन सी मेमोरी चिप सबसे तेज होती है, तो बी ऑप्शन सही है एस रैम। 887 यह स्थान जहाँ पर कोई डाटा स्थित होता है, तो बी ऑप्शन सही है मेमोरी लोकेशन। 888 है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है CPU। 889 है CPU का पूरा रूप है, सी ऑप्शन सही है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 890 है वह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो किसी सिलिकॉन चिप पर बना होता है कहलाता है इंटीग्रेटेड सर्किट। 891 वह कमांड को ले जाने की प्रक्रिया क्या है, तो ये ऑप्शन फेचिंग। 892 वह क्वेश्चन है CPU का वह भाग जो कंप्यूटर के अन्य सभी उपकरणों की गतिविधियों को समन्वित तथा नियंत्रित करता है कहलाता है, सी ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट। 893 किसी कंप्यूटर में CPU और मेमोरी कहाँ पर स्थित होता है, तो बी ऑप्शन सही है मदरबोर्ड में। 894 किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर क्या कहलाता है, ए ऑप्शन सही बग। 895 कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम है, तो सी ऑप्शन है आउटपुट। 896 का क्वेश्चन है CPU का प्रमुख कार्य है, तो डी ऑप्शन सही है ए और सी प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना और डाटा और जानकारी प्रोसेस करना। 897 का क्वेश्चन है कैश मेमोरी क्या है, तो ए ऑप्शन छोटा बफर स्टोरेज।
898 वा क्वेश्चन है, मदरबोर्ड क्या है? तो सी ऑप्शन सही है, एक सर्किट जो सीपीयू तथा अन्य चिप को व्यवस्थित रखती है। 899 कंप्यूटर में सभी तार्किक तथा अंकगणितीय परिकलन किए जाते हैं। तो सी ऑप्शन सही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा। 900 बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है। तो ए ऑप्शन सही, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। 901 है वह डिस्क जिसमें केवल एक बार ही लिखा जा सकता है कहलाता है। ए ऑप्शन रीड ओनली। 902 है रैम किसी प्रोसेसिंग प्रोसेसर के लिए किस तरह से काम करती है। तो सी ऑप्शन वेटिंग रूम। 903 है मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है। बी ऑप्शन सिस्टम बस। 904 है मदरबोर्ड है, तो डी ऑप्शन सही है इसमें, सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू अन्य चिप लगे होते हैं। 905 वाह किसी कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये ऑप्शन सही है, स्टार्ट शट डाउन। 906 तेज मेमोरी कौन सी है, तो ये ऑप्शन कैश मेमोरी। 907 है कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी है, तो सी ऑप्शन सही है, एक टाइमिंग डिवाइस जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। 908 है कंप्यूटर घड़ी के स्पीड की गणना की जाती है, सी ऑप्शन मेगा हर्ट्ज से। 909वां क्वेश्चन देखते हैं, किसी कंप्यूटर में सूचना किस रूप में उपस्थित रहती है। तो बी ऑप्शन सही है, डिजिटल। 910वां है अधिकतम स्टोरेज क्षमता इनमें से किसमें होती है, तो सी ऑप्शन हार्ड डिस्क। 911 है पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं, इन लाइनों को कहते हैं, तो सी ऑप्शन कनेक्टर्स। 912 है BIOS का पूरा रूप है, तो सी ऑप्शन है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। 913 है इंटरप्ट जो इनपुट आउटपुट ड्राइवर के द्वारा शुरू किया जाता है कहलाता है इंटरनल। 914 है एनालॉग सिग्नल की तुलना में डिजिटल सिग्नल है, तो ये ऑप्शन तेज। 915 है वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है कहलाता है असेंबलर, सी ऑप्शन सही है। वह डिवाइस जो सूचनाओं को कंप्यूटर में डालता है कहलाता है, बी ऑप्शन है इनपुट। 17 सीपीयू के अंदर वह कौन सा डिवाइस है जो प्रोसेसिंग के दौरान डाटा को अस्थायी रूप से रखता है, तो ये ऑप्शन रजिस्टर। 918 है कंप्यूटर के किसके जरिए सूचनाओं को प्रोसेस करता है, तो डी ऑप्शन नंबर। 919 है इनमें से किसका एक्सिस टाइम सबसे तेज होता है, तो सी सेमीकंडक्टर, सी ऑप्शन सही। 720 है कंप्यूटर किस भाषा का इस्तेमाल किसी डाटा को प्रोसेस करने में करती है, तो सी ऑप्शन है बाइनरी। 921 है वह डिवाइस जो सीरियल डाटा को पैरेलल डाटा में बदल देता है, तो सी ऑप्शन डेमल्टीप्लेक्सर। 922 है वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो किसी प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदल देता है तो कहलाता है कंपाइलर। 923 है सीडी रोम क्या है, तो डी ऑप्शन सही है कोई नहीं है। 924 है इंटैप्ट जो किसी इंस्ट्रक्शन द्वारा शुरू किया जाता है कहलाता है, ए ऑप्शन सही है इंटरनल। 925 वाला क्वेश्चन है पेंटर की क्वालिटी मापी जाती है, बी ऑप्शन सही है डॉट पर इंच। 926 है इनमें से कौन सी मेमोरी 1 सेकंड में कई बार रिफ्रेश होती है, तो बी ऑप्शन सही है डायनेमिक रैम। 927 है इनमें से कौन सा एक सीपीयू डिजाइन तकनीक है, तो ये ऑप्शन है रिस्क। 928 है कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों इनमें से क्या है, तो डी ऑप्शन सी ऑप्शन प्रोग्राम। 929 है बूटिंग प्रक्रिया के दौरान उनमें से कौन सिस्टम फाइल को चेक करता है, तो बी ऑप्शन सही है बायोस। 930 है डिजी व्हील पेंटर इनमें से किसका उदाहरण है, तो बी ऑप्शन है इम्पैक्ट पेंटर। 931 है डिकोडर का आउटपुट इनमें से क्या होगा, तो बी ऑप्शन सही है 2N। 932 है पाइप लाइन रणनीति
इनमें से क्या कार्य करती है? तो ए ऑप्शन है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, ए ऑप्शन सही है। 933 है, इनमें से कौन सा गेट किसी बाइनरी नंबर का कॉम्प्लीमेंट करता है? तो सी ऑप्शन नॉट। 934 है, इनमें से कौन किसी डाटा को अस्थायी रूप से अपने पास रखता है जब तक सीपीयू को इसकी ज़रूरत होती है? तो ए ऑप्शन है रोम। 935 है, वर्चुअल मेमोरी इनमें से कहाँ पर होती है? तो सी ऑप्शन है हार्ड डिस्क। 936 है, स्पूलर इनमें से क्या होता है? तो सी ऑप्शन है एक प्रोग्राम जो प्रिंटिंग कार को मैनेज करता है। तो 937 है, बेसिक इनपुट आउटपुट इनमें से किसमें स्टोर रहता है? तो सी ऑप्शन बी ऑप्शन है रोम। 938 है, सीपीयू इनमें से कौन सा ऑपरेशन नहीं करता है? तो ए ऑप्शन डाटा ट्रांसफर। 939 है, एक माइक्रो कंप्यूटर में इनमें से क्या क्या होता है? तो डी ऑप्शन उपयुक्त सभी, मेमोरी, माइक्रो प्रोसेसर, पेरिफेरल्स। 940 है, थ्रेसिंग इनमें से क्या होता है? तो बी ऑप्शन सही है, डाटा की अदला बदली किसी रैम और वर्चुअल मेमोरी के बीच। 941 है, इनमें से कौन सी संख्या संबंधित एवं तार्किक गणनाओं को करता है? तो बी ऑप्शन है ALU। 942 है, निम्न में से कौन सा गणना बतुलना करने का कार्य करता है? तो बी ऑप्शन है ALU। 943 है, कर्सर है तो बी ऑप्शन एक पतली बिल्ली ब्लिंकिंग लाइन। 944 है, ए पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम विच कंट्रोल द ओवरऑल ऑपरेशन एंड एवरी थिंग दैट हैव बीन इनसाइड द कंप्यूटर एंड इज अंडर इट्स वॉचफुल ई। तो डी ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट। 945 है, माई कंप्यूटर के आइकॉन में क्लिक करने से क्या प्रदर्शित होता है? सी ऑप्शन कंप्यूटर के डिवाइस ड्राइव्स। 946 है, आइकन्स होते हैं तो सी ऑप्शन चित कमांड्स। 947 है, द मेन पार्ट ऑफ प्रोसेसर आर, तो बी ऑप्शन सही है ALU, कंट्रोल यूनिट एंड रैम RAM। 948 है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है तो सी ऑप्शन CPU। 949 है, प्रथम गणना यंत्र है तो सी ऑप्शन है अबेकस। 950 है, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो सी ऑप्शन ब्लेज पास्कल। 951 है, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था? सी ऑप्शन CRC। 952 है, निम्नलिखित में से कौन सा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? अनुपम। डी ऑप्शन सही है। 953 है, वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था? सी ऑप्शन विद्युत। 954 है, एनालॉग कंप्यूटर है तो सी ऑप्शन इसमें सही, निम्न स्तर पर संप्रेषित करना। 950 है, 55 है, डिजिटल कंप्यूटर को विकसित किया गया है? तो सी ऑप्शन USA द्वारा। 956 है, IBM का पूरा नाम है? तो बी ऑप्शन सही है, इंटरनल नेशनल बिजनेस मशीन। 957 है, लैपटॉप क्या है? डी ऑप्शन ये सभी क्लिनिकल प्रयोगशाला में उपयुक्त कंप्यूटर, कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित कंप्यूटर, छोटे हल्के कंप्यूटर जो सूटकेस में आ सके। डी ऑप्शन सही है। 958 है, सुपर कंप्यूटर है तो डी ऑप्शन सही है, ये सभी मतलब एक साथ बहुत सारे उपयोगिताओं के डाटा प्रोसेस करता है, यह तीव्रतम महंगा कंप्यूटर सिस्टम है, बड़े संगठनों में उपयोग होता है। 969 है, वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है? तो ये ऑप्शन चार्ल्स बेबेज। 960 है, भारत ने सुपर कंप्यूटर का परम का निर्माण किया था? तो डी ऑप्शन फोर्डेम है। 961 है, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किया था? तो बी ऑप्शन सही है, चार्ल्स बेबेज। 962 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो बी ऑप्शन सुपर कंप्यूटर। 963 है, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनी होती है? तो ये ऑप्शन है सिलिकॉन की। 964 है, क्राई क्या है? तो डी ऑप्शन है इसमें सुपर कंप्यूटर। 965 है, पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी होगी? तो ए ऑप्शन है घर घर उपयोग।
966 एक हाई वेट कंप्यूटर में प्रयोग होता है, तो ये सी ऑप्शन से दोनों डिजिटल संकेतों का एनालॉग संकेतों का। 967 है माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था, तो इसमें सी ऑप्शन सही है इंटेल ने। 968 ऐसे कंप्यूटर जो प्रोस्टेबल होते हैं, यात्रा करने वाले उपयोगताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं, कहलाते हैं बी ऑप्शन लैपटॉप। 969 है कंप्यूटर के आईसी चिप्स के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता होती है, तो बी ऑप्शन सिलिकॉन की। आईबीएम है एक, तो बी ऑप्शन एक कंपनी है। 971 है वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं, तो डी ऑप्शन ULSIC। 972 है चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है, तो ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। 973 विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था, तो बी ऑप्शन सही है 976 में। 974 संसार का प्रथम प्रोग्राम माना जाता है, तो बी ऑप्शन लेडी एडा अगस्टा। 975 अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाएगा, तो ए ऑप्शन AI। 976 व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, तो सी ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर। 977 भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर के क्या नाम था, सिद्धार्थ, बी ऑप्शन सही है। 978 घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाली पीसी वास्तव में है, तो ए माइक्रो कंप्यूटर। 979 है दूरी आधारित पद्धति का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं, तो बी ऑप्शन है डिजिटल कंप्यूटर। 980 है भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है, तो सी ऑप्शन सही है सुपर कंप्यूटर। 981 है पूर्व में फोटोन के साथ कार्य करने वाले सब कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे, तो बी ऑप्शन है दूसरे। 882 है कौन मस्तिष्क के कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा, तो बी ऑप्शन सही है क्वांटम कंप्यूटर। 883 है कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी का प्रतीक है, तो डी ऑप्शन सुपर कंप्यूटर। 884 है माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर, तो पंचम, डी ऑप्शन सही है। 985 है गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ, तो बी ऑप्शन है चीन। 886 विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, तो ए ऑप्शन एनएक। 887 इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय जाता है, तो डी ऑप्शन एसी दोनों को, मतलब बीसी दोनों को, जे एस किल्वी को, रॉबर्ट नोई को। 988 ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में होता है, मैं दोस्ता, तो बी ऑप्शन था बड़ा का। 989 तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर मुख्य घटक हैं, तो सी ऑप्शन है इंटीग्रेटेड सर्किट। 990 निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है, तो डी ऑप्शन विप्रो, अनुपम है, फेस भी है। 991 भारत में सिलिकन वैली स्थित है, तो सी ऑप्शन बेंगलोर। 992 कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं, तो ई एक और दो डिजिटल एनालॉग। 993 प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक हैं, तो सी ऑप्शन बॉल। 994 सी डेक का संबंध है, तो कंप्यूटर से। 995 आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपण संभव हो सका है निम्नलिखित निम्न का प्रयोग से, तो बी ऑप्शन समाकलित परिपथ सेट से। 996 996 आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं है, तो ये ऑप्शन है ऑप्टिकल कंप्यूटर। 997 कंप्यूटर आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई, तो सर्वप्रथम तो ये 1946 में। 998 पहला कंप्यूटर बनाया था, तो सी ऑप्शन चार्ल्स बेबेज ने। 999 आईसी चिप का निर्माण किया जाता है, तो बी ऑप्शन सेमीकंडक्टर से। 1000वां क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था, तो सी ऑप्शन सही है जे एस किल्वी ने। 101वां को 1001वां भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था, तो सी डेक डेक ए ऑप्शन सही है। 1002वां क्वेश्चन है भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित व डिजाइन किया गया था, तो ए ऑप्शन है नाल बेंगलुरु।
1003 इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? तो ए ऑप्शन है सिलिकॉन। 1004 डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये ऑप्शन गणना। चलिए हमने इसमें देख लिया है इस पार्ट में कंप्यूटर से संबंधित 1004 क्वेश्चन तक देख लिया है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे 1005 से आगे के क्वेश्चनों के बारे में। चलिए इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं।